एकदम सीधा सवाल है, क्या करेगा फेड? नमस्कार नीरज जी, आपको और सभी पैनल मेंबर्स को। और आपने मुझे वो शाह बना दिया। अब तो एक आजकल तो शाह का जमाना चल रहा है इंडिया में, तो सेंटर में भी शाह है और मार्केट्स में भी शाह है, तो अब ठीक है, आई डोंट माइंड दैट। अच्छा, तो इस पे अगर नीरज, सवाल बहुत अच्छा है और इसको सिंप्लीफाई करते हैं लोगों के लिए, आई थिंक, बिकॉज ये बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी बन गई है और इसको ना मैं नहीं चाहता हूँ कि वी शुड ओवर थिंक दिस। और लोग आते हैं रोज और देखते हैं कि यार हम कुछ कर नहीं रहे हैं, एंड देन वी आर गेटिंग इम्पैक्टेड, राइट? क्या हो रहा है उसमें? तो देखिए, सिंपल बात है, मैंडेट फेड के और किसी भी सेंट्रल बैंक के, और इंडिया में आरबीआई कहें और कोई भी ग्लोबली, उनके दो मैंडेट्स होते हैं। दे आर बेस्ड ऑन फिलिप्स कर्व, इकोनॉमिक्स का पुराना कॉन्सेप्ट है। उसमें ये कॉन्सेप्ट कुल मिला के ये होता है नीरज, के अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन में एक बैलेंस होता है हमेशा। अगर एक को बढ़ाओगे दूसरा कम हो जाएगा, और एक को अनएम्प्लॉयमेंट को बिल्कुल कम करने करने जाओगे। आई थिंक एक इंटरेस्टिंग सवाल लोग पूछ सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट जीरो क्यों नहीं है? यूएस में अभी 3.5-3.6% के आसपास है अनएम्प्लॉयमेंट। यूएस जैसे कंट्री में ये जीरो क्यों नहीं है? क्योंकि जीरो डिजायरेबल नहीं होता है। कोई भी इकोनॉमी में अबाउट 5% अनएम्प्लॉयमेंट जब आ जाता है, तो उसको बोलते हैं कि अब तकरीबन इट्स अ फुल एम्प्लॉयमेंट, एवरीबडी इज एम्प्लॉयड। क्योंकि वो 5% अनएम्प्लॉयमेंट रोटेशन में रहना भी चाहिए, क्योंकि अगर वो उससे कम हुआ तो इन्फ्लेशन बढ़ जाता है, विच मीन्स पीपल हैव मोर मनी, वर्कफोर्स की स्केयरसिटी हो जाती है, और फिर वेजेस बढ़ते हैं, और वेजेस फिर अल्टीमेटली पास ऑन होते हैं। कुछ वही खेल अब यूएस में हो रहा है। अल्टीमेटली 3.6% हिस्टोरिकल लो है अनएम्प्लॉयमेंट का, और उसकी वजह से लेबर स्केयरसिटी हो रही है, लेबर्स को हाइक्स ज्यादा मिल रहे हैं। लेबर को हाइक ज्यादा मिलेंगे तो देखिए, कॉम्युनिज्म का जमाना नहीं है, बट जो लोग सोच सकते हैं उसको जाके पढ़ सकते हैं कि अगर लेबर हाइक्स होंगे कैपिटलिज्म में, तो फिर वो कंज्यूमर को पास ऑन होंगे, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को देने पड़ते हैं। तो कुल मिला के सिचुएशन ये है नीरज, कि अभी उनके दो मैंडेट हैं, उसमें वो अनएम्प्लॉयमेंट में बहुत ज्यादा ओवरशूट कर रहे हैं। आई थिंक वो जरूरत से ज्यादा है। दे वॉन्ट टू ब्रिंग इट डाउन, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को थोड़ा बढ़ाना है। तो उस 3.6% से 4.6, तो करीब तकरीबन इस प्रोसेस में यूएस में अबाउट 2 मिलियन लोग एक्स्ट्रा हैं जो कि अनएम्प्लॉयड होंगे। तब इकोनॉमी बैलेंस में आएगी, इन्फ्लेशन कम होगा।